प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देशों की अंतिम यात्रा के चरण में पहुंचे दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दक्षिण अफ्रीका चीन और रूस के राष्ट्रपति से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगरीय क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों में भी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाए जाने के दिए निर्देश, साथ ही अवैध निर्माणकर्ताओं को चिन्हित कर कार्रवाई करने के दिए आदेश। हिंसा और धांधली के आरोपों के बीच पाकिस्तान में त्रिशंकु जनादेश के आसार। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आगे। उन्नीसवां कारगिल विजय दिवस आज। देश भर में कृतज्ञ राष्ट्र वीर सपूतों को कर रहा है याद। हर साल 26 जुलाई को देश में कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रजेश और अब समाचार विस्तार से। अफ्रीकी देश रवांडा युगांडा के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके अलावा पीएम जोहान्सबर्ग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। करेंगे वार्ता के दौरान रक्षा, व्यापार, संस्कृति, कृषि और डेयरी क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसके अलावा वे जोहान्सबर्ग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इन टू इयर्स ये दूसरी बार आ रहे हैं, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप देख सकते हैं कि भारत एंड साउथ अफ्रीका की रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है। 2018 इज द सिल्वर जुबली, 25वीं सालगिरह है ऑफ इंडिया साउथ अफ्रीका बायलैटरल रिलेशंस, एंड इम्पॉर्टेंटली ऑल्सो मडीबा की 100th बर्थ एनिवर्सरी है। एंड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो महात्मा गांधीज 150th बर्थ एनिवर्सरी विल किक ऑफ फ्रॉम 2 अक्टूबर 2018। तो आप मानेंगे कि इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स तो हम लोग जरूर लेंगे। चीन दक्षिण अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय मुलाकातों के अलावा प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। समावेशी विकास, वैश्विक शासन, स्वास्थ्य और टीकाकरण, शांति प्रयासों और सतत विकास पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। India attaches a lot of importance to BRICS, and as we all agree, focus BRICS ka economic hi hai, and we look upon it as a very valuable platform for collaboration, consultation, coordination on regional and international issues. ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की जीडीपी का 30% हिस्सा है। इतना ही नहीं, दुनिया का 18% व्यापार भी इन्हीं देशों में होता है और दुनिया की 50% आबादी भी ब्रिक्स देशों में ही बसती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों के संबंध में व्यापक सर्वे किए जाने के निर्देश देते हुए कहा है कि इन कॉलोनियों के अवैध निर्माणकर्ताओं को चिन्हित करते हुए इनकी सूची बनाई जाए, साथ ही निर्माणकर्ताओं से संबंधित अनधिकृत कॉलोनियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि वे इनमें असफल होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश यहां शास्त्री भवन में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की गाइडलाइंस में संशोधन के प्रस्तुतीकरण के अवसर पर दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में हो चुके अवैध निर्माणों में बड़े पैमाने पर निवासियों द्वारा निजी पूंजी निवेश किया गया है, उसके बावजूद अभी तक वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, सीवर, पेयजल आदि उपलब्ध नहीं है। नगरीय क्षेत्रों के निवासियों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरणों द्वारा इन अनधिकृत कॉलोनियों के उत्तरदायी निर्माणकर्ताओं से इन सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया जाए। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना हम सही मायने में आवास उपलब्ध कराने और शहरी नियोजन की योजनाओं को सफल नहीं बना सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लंबे अरसे से इन कॉलोनियों को विकसित होने दिया गया और यहां मूलभूत सुविधाएं निवासियों को उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके लिए अवैध निर्माणकर्ताओं को चिन्हित करते हुए समाधान निकालना होगा। उन्होंने कहा कि कार्रवाई इस प्रकार की जाए कि भविष्य में अनधिकृत कॉलोनियों के निर्माण को रोका जा सके।
पाकिस्तान में संसदीय चुनाव के खिलाफ हुई वोटिंग के बाद मतों की गिनती का काम जारी है। चुनाव में पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 110 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 67 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। रुझानों की माने तो किसी को सरकार बनाने के लिए 172 का जादुई आंकड़ा नहीं मिलेगा और त्रिशंकु संसद की स्थिति बनेगी। आत्मघाती हमले और प्रभावशाली सेना द्वारा जोड़ तोड़ करने के आरोपों के साथ कई पार्टियों ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 41 सीटों पर आगे चल रही है, जिससे त्रिशंकु सभा होने की स्थिति में वो किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। नेशनल असेंबली की 272 सीटों में से 268 सीटों के लिए उपलब्ध रुझानों के अनुसार 18 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आतंकवादी हमलों में उम्मीदवारों की मौत के कारण दो निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान स्थगित कर दिया गया है। पीएमएलएन के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ ने चुनाव नतीजों को पूरी तरह खारिज करते हुए चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए। शरीफ ने ऐसे संकेत दिए कि उनकी पार्टी चुनावों में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आरोपों का जवाब देते हुए पंजाब में प्रांतीय निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि नेताओं को बिना किसी ठोस सबूत के निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 342 सदस्य होते हैं, जिनमें से 272 को सीधे तौर पर चुना जाता है, जबकि शेष 60 सीटें महिलाओं और 10 सीटें धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। आम चुनावों में 5% से ज्यादा वोट पाने वाली पार्टियां इन आरक्षित सीटों पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से अपने प्रतिनिधि भेज सकती हैं। आम चुनावों के लिए मतदान शुरू होने के कुछ घंटे बाद इस्लामिक स्टेट के एक फिदायीन हमलावर ने बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के भोसा मंडी इलाके के एक मतदान केंद्र के बाहर विस्फोट में खुद को उड़ा लिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मियों सहित 31 लोग मारे गए। 19वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र आज वीर सपूतों को सलाम कर रहा है। इसी दिन सेना ने हिमालय की चोटी कारगिल से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा था। पाकिस्तानी सेना ने अवैध रूप से कारगिल पर कब्जा किया था। हर साल 26 जुलाई को देश में कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हमारे वीर योद्धाओं ने करगिल की सफेद बर्फ से ढकी पहाड़ी पर तिरंगा फहराया था। तब से लेकर हम हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये समारोह 3 दिन तक चलता है और इस दौरान शहीदों की शहादत को याद किया जाता है। जम्मू कश्मीर में द्रास युद्ध स्मारक में 19वां करगिल विजय दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। देर शाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा इलाका रोशनी से नहा उठा। द्रास युद्ध स्मारक में वीरों को नमन करते हुए मोमबत्ती जलाकर याद किया गया। या लैम्प के लिए, लैम्प कैंडल करने के लिए, पापा को श्रद्धांजलि देने के लिए और शांति के लिए। साल 1999 की गर्मियों में पाकिस्तानी सेना ने चुपके से नियंत्रण रेखा पार कर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से लगती टाइगर हिल चोटी पॉइंट 4875 पॉइंट 4590 तोलोलिंग पहाड़ी पॉइंट 5140 और बटाली की जुबेर पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप नॉर्दर्न लाइफ इन्फेंट्री के करीब 5000 सैनिक घुसपैठियों की भेष में भारतीय चौकियों पर जमे हुए थे। भारतीय सेना ने दुश्मनों को मार भगाने के लिए ऑपरेशन विजय को शुरू किया। भारतीय तोपों ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे दुश्मनों को अपने धमाकों से घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को ही भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर कारगिल में तिरंगा फहराया था, जिस शौर्य और बहादुरी से भारतीय जाबाजों ने अपनी जान न्योछावर कर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, देश उस पर गर्व महसूस करता है और उनकी शहादत को नमन करता है।
देश में खेलों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भारत में खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों के माध्यम से देश में विभिन्न राज्यों से आए बच्चे अपनी प्रतिभा को तलाश रहे हैं। इन खेलों के फाइनल मुकाबले दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। इस मौके पर खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने देश में खेलों के विकास के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। खेल मंत्री का कहना था कि सरकार अब 8 से 12 साल के बच्चों में खेल प्रतिभा तलाशने की योजना बना रही है और इसके लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। अब इस साल हम शुरू करेंगे 8 साल से 12 साल के बच्चों की तलाश पूरे देश भर के अंदर। एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं हम, जो कुछ महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। हम 8 से लेकर 12 साल की उम्र के बच्चे, तकरीबन 3 करोड़ बच्चों को टारगेट करेंगे और एक लक्ष्य रखेंगे कि स्कूल अब सिर्फ यही चर्चा नहीं करेंगे कि उनके स्कूल के अंदर कितने परसेंटेज मार्क्स आते हैं, बट ये भी बात करेंगे कि हमारा स्कूल कितना फिट है, जिसके अंदर बच्चे तंदुरुस्त हैं। और इन बच्चों में से हम छांटेंगे कि किन बच्चों को हम किस खेल के अंदर तैयारी कराएं, ताकि 8 साल और 10 साल के बच्चों को फिर हम देना शुरू करेंगे अगले साल से 5 लाख रुपए और 8 साल तक लगातार। बधाइयों पहुंची। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने जिले में सभी अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिले में कराए गए विकास कार्यों की गुणवत्ता परखने उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की 10 सदस्यीय टीम माननीय सदस्य विधानसभा और समिति के सभापति रामचंद्र यादव के नेतृत्व में बदायूं पहुंची। समिति में कई जनपदों के विधायक, विधान परिषद सदस्य और विधानसभा के अधिकारी थे। समिति के सभापति रामचंद्र यादव ने विकास भवन में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ जनपद में कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी लगाकर जल्द इसे जनता के लिए चालू करने के निर्देश भी दिए। साथ ही राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द ही बदायूं मथुरा बाईपास का बचा हुआ कार्य पूरा करके चालू करें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप सौभाग्य योजना में हर घर में बिजली पहुंचाने के निर्देश दिए। पीलीभीत और बदायूं, इन 4 जिलों में समिति में अपने उन बहुत सारे जो निगम हैं जिनके द्वारा विकास कार्यों में कुछ लेके काम किया जा रहा है, उन्हीं निगमों के कामों की सभी जनपदों पे जिलाधिकारी के साथ समन्वय करके समीक्षा की गई है और प्रयास किया गया है कि उस जनपद के जनपदियों को साथ में लेकर के जो विकास की सरकार की मंशा है, उस विकास की गति को धार दें हम लोग। ये सभी छात्र छात्राएं अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जो गांव और शहर के आसपास घरों में जाकर महिलाओं और किशोरियों को जागरूक कर सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन को देखकर ये सभी छात्र छात्राएं इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद एक पैड बैंक बनाने की ठान ली। बरेली के तेलापीर के पास वीर सावरकर नगर चौराहे पर इस बैंक की शुरुआत की। इस पैड बैंक में 10 युवा छात्र छात्राएं हैं जो इस अनोखे बैंक का काम संभालते हैं। लड़कियों को इसके प्रति अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि अगर आप अनहाइजीनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जैसे क्लोथ यूज़ कर रहे हो या फिर हस्क यूज़ करते हो, तो उसका उसके लॉन्ग यूज से कितने सारे इफ़ेक्ट्स है बॉडी पे, तो उनको ये चीज़ अवेयर करना, उन्हें ये बताना। गरीब लड़कियां हैं जो रूरल एरियाज में है, उन्हें दे आर नॉट एजुकेटेड, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं है, तो हम उन्हें अवेयर करते हैं और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पैड्स प्रोवाइड करते हैं। इस बैंक में 7 महिला सदस्य और 3 पुरुष सदस्य हैं। जहां लड़के होने की वजह से काम में दिक्कत होती है, तो वहां लड़कियों की टीम काम संभाल लेती है और उसे पूरा करती है। खास बात यह है कि इन सभी छात्र छात्राओं ने इसे अपनी पॉकेट मनी से बनाया है और इसका संचालन भी ये सभी अपने खुद के बचाए पैसों से ही करते हैं, ताकि गरीब और जरूरतमंद किशोरियों को समय पर निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध हो सके। इस पैड बैंक में 33 किशोरियों के अकाउंट खोले जा चुके हैं। जिनके अकाउंट हैं, उनके पास बुक भी उपलब्ध कराई गई है, जो हर महीने इस पैड बैंक में आकर पैड ले सकते हैं और जो आने में असमर्थ हैं, उन्हें पैड उनके घरों तक पहुंचा दिया जाता है।
इस अनूठे बैंक से जहां महिलाओं को सुविधा हुई है तो वहीं दूसरी ओर वो बीमारियों के प्रति भी सचेत हो रही हैं। महिलाओं और किशोरियों को समय पर पैड उपलब्ध होना एक चैलेंज है और अगर ये जरूरतमंदों को मुफ्त में मिल जाए तो सचमुच एक बड़ी बात है। ये बैंक महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा तो प्रदान कर ही रहा है, सैनिटरी पैड की उपयोगिता को भी बढ़ावा दे रहा है। बुलंदशहर जिले के गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र की मिट्टी वैसे तो अपने आप ही बहुत उपजाऊ थी, लेकिन रासायनिक खादों के प्रयोग के चलते धीरे धीरे जमीन की उर्वरता नष्ट होने लगी। इसका प्रमुख कारण था जमीन में मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार रासायनिक खाद का न प्रयोग किया जाना, लेकिन भारत सरकार की सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना ने किसानों को मिट्टी की उर्वरता और उसमें रासायनिक खाद की आवश्यकता की जानकारी उपलब्ध कराई, जिसके चलते किसानों को अपनी मिट्टी के तत्वों की जानकारी मिली। मिट्टी की जांच सरकारी प्रयोगशाला में की जाती है। प्रयोगशाला दो प्रकार की है, जिसमें नाइट्रोजन, पोटाश, जिंक, फॉस्फेट आदि केमिकल्स की जांच होती है। एलिमेंट्स के टेस्टिंग होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ उसी ऑर्गेनिक कार्बन का एनालिसिस करते हैं, पोटास का एनालिसिस करते हैं और फास्फेट का एनालिसिस करते हैं, और हमारे यहाँ पीएच का होता है, इसमें हम सल्फर का भी करते हैं और हम सूक्ष्म तत्व का, इसके अलावा सूक्ष्म तत्व का एनालिसिस करते हैं, जिसमें हमारा जिंक है, फास्फेट है और कॉपर है और मैंगनीज। हम इन सबका एनालिसिस करके जो हम स्वास्थ्य कार्ड बनाते हैं, स्वास्थ्य कार्ड की जो रिपोर्ट आती है, स्वास्थ्य कार्ड तैयार करते हैं और स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने के बाद में हम किसान खुद को देखते हैं। किसानों के खेत में 2 से 2.5 हेक्टेयर के ग्रिड बनाकर मिट्टी के पूरे खेत में 20 नमूने लेकर नमूने तैयार किए जाते हैं। जिस किसान के रकबे की मिट्टी होती है उसका नाम टैग जांच को भेजा जाता है। किसानों से जाना कि क्या है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, तो उनका कहना था 6-7 जगह से लेते हैं, जैसे एक खेत है उसमें से 6-7 जगह से सैंपल लेते हैं, ऊपर की 2-3 इंच मिट्टी हटा के और उसके नीचे की मिट्टी का सैंपल लेते हैं बारीक बना मिट्टी। वो मिट्टी तो कितनी भी ले सकते हो आप, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, लेकिन वो छट करके थोड़ी सी रह जाती है। करीब मान के चलो 1 एकड़ में करीब 10 जगह घटा, काफ़ी फायदा हुआ है, लागत कम आ रही और लागत भी घटी है, और इन्हीं के हिसाब से हमने जिस चीज़ की कमी होती है ज़मीन में वो चीज़ लगाई है। मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जीवांश कार्बन की कमी आई है लगातार केमिकल फर्टिलाइजर लगाने की वजह से, और उसमें हमारे पोटास है वो भी पोटास मीडियम में आई है, मध्यम स्तर में आ रही है, और हमारा फास्फेट है वो भी हमारा लो कंडीशन में आ रहा है जो निम्न स्तर में है, और जिंक है, जिंक भी हमारा मीडियम स्तर में है जो कि सेफिशिएंट नहीं है, जो कि हमारा सेफिशिएंट होना चाहिए, और कॉपर है वो सेफिशिएंट है, लेकिन फेरस है, फेरस भी है वो हमारा मध्यम स्तर में है, और मैंगनीज है वो भी मध्यम स्तर में आ रहा है। यही हम जांच करते हैं लैब में अपनी, और एक और दो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ईसी है और पीएच है, हम इन पोषक तत्वों का एनालिसिस करते हैं। जनपद में वर्ष 2017-2018 में 43,650 नमूने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन लक्ष्य के विपरीत 44,149 नमूने एकत्र किए गए। विभाग का मानना है कि एक नमूने में औसतन 5 किसान की मिट्टी के नमूने आ जाते हैं। इस तरह लगभग 2 लाख से ऊपर किसानों की मिट्टी के नमूने लिए गए। पिछले वर्ष 1,41,530 कार्ड किसानों को वितरित किए गए। चालू वर्ष में 47,224 नमूने लेने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके सापेक्ष लगभग 40,000 नमूने ले लिए गए हैं और शेष को लेकर कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों के सर पर छत देने का बड़ा काम किया। श्रावस्ती जनपद में जमुनहा के रानीसीर गांव में जहां एक मुस्लिम परिवार जो अपनी गरीबी में बिताए हुए दिन को नहीं भूल रहा है, उस परिवार ने बिना आवास के अपना जीवन कैसे बिताया ये सोचकर आज भी कांप जाता है। घर के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास हमें मिला है, अब मकान की तो चिंता खत्म हो गई है और अब हम अपने बच्चों को बचे हुए पैसों से अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। हमारी अम्मा के नाम से आवास है, उसी आवास में हम लोग रहते हैं। पहले फूस में रहते थे, कब बरसात होती थी कब ठंडी आती थी, बड़ी दिक्कत रहा, लेकिन प्रधानमंत्री का लाख लाख एहसान है, हम लोग आवास पाए गए उसी आवास में, आराम से रहते हैं, खूब उनका शुक्रगुजार है।
वहीं राजापुर पुराना गांव का रहने वाला दोनों पैरों से विकलांग कमलेश बताता है कि हमारे पिता कुछ साल पहले किसी कारण दिमागी बीमारी से घर छोड़कर चले गए। उनका कुछ पता नहीं चला, परिवार का बोझ हमारे कंधों पर आ गया, लेकिन पैरों से मजबूर होने के कारण हम परिवार चलाने में मजबूर थे। लेकिन मजबूरी में गांव के लोगों के मोबाइल बनाने लगे और 20-50 कमाकर घर चलाने का प्रयास करते थे और मजबूर रहते। घर तो हमारे लिए सपना था, लेकिन इस सपने को देखा मैंने था और पूरा हमारे प्रधानमंत्री ने किया। हमको ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिया। आज हमारे पास भी आवास है, प्रधानमंत्री आवास। और हमारे इतना हमारे पास पैसा नहीं था कि मैं बनवा सकूं। और पहले ऐसे जीवन काटते थे फूस में, जो बारिश होती थी तो टपकने लगता था, फिर उसके बाद उठ के बैठ जाते थे सब लोग, पूरे परिवार लोग। सुखदेई का मतलब दूसरों को सुख देने वाली। अपने पति के बिना छोटे से बच्चे को सहारा देती रही, बिना फूस और चारों तरफ कच्ची दीवारों के साथ खुले आसमान के नीचे दिन की धूप और रात की ओस, जाड़े में कड़ाके की ठंड और बरसात में भयंकर बारिश, मानो सुखदेई का यही जीवन था। लेकिन ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के सहयोग से सुखदेई को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिया गया, जिससे उसका कच्चे मकान से पक्का मकान बना। आज सुखदेई अपना जीवन पक्के मकान में गुजर कर रही है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब फुसहा मड़ैया बना रहा है, पानी चुत रहा है, रहित रहा है। हाँ, अब तो पक्का बन गया, उम्र रहा है लागे, सुख होएगा। इससे पहले मेरे पास कच्चा और फूस मकान था और पहले बारिश में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता था। आज के टाइम में मोदी जी ने आवास दिया है, उसके लिए बहुत आभारमंद हूँ। सबको हुनर सबको काम देने की मंशा से प्रधानमंत्री ने कौशल विकास मिशन योजना के तहत बेरोजगारों को मात देने की परिकल्पना की थी। इस योजना से लोगों ने किस तरह से फायदा उठाया और कैसे अपने आप को रोजगार से जोड़ा, देखिए इटावा की एक विशेष रिपोर्ट। सर, यहाँ पे बाहर बोर्ड लगे हुए थे और इसका प्रचार भी हुआ था, तो हमें इसी वजह से जानकारी हुई। फिर हमने पता किया तो यहाँ ITI चौराहे पे ITI संस्थान है, तो फिर मैं यहाँ पे आई तो मुझे ये पता चला। मुझे 20-25 रुपए ये पीस मिलता है, वही हम महीने पे 4-5 हजार रुपए कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं बहुत ही अच्छी योजना है। मैं तो चाहती हूँ यार समय ऐसी चलती रहे और मैं अपना ऐसी विकास की कुछ कर सकूं अपने बच्चों की। कपड़े मिल रहे तो बस, जब तक सभी लोग सिलते रहे मिलते रहे तो आने लगे, यहाँ सिलने लगे फिर कपड़े। महीने में 4-5 हजार रुपए जितना काम कर लें उसी हिसाब से पैसे मिल जाते, बजाय कुछ नहीं है। जैसे कि सिलाई हो रही तो अब घर में फ्री बैठे रहते तो सोचा कि कुछ काम ही कर लें तो 4 पैसे आ जाएंगे, अच्छा लगेगा और स्वयं के पैसे रहेंगे। अच्छा। किसी से मंगाने नहीं पड़ेंगे अपने खर्च के लिए, अपने पैरों पे खड़े। हाँ, अपने पैरों पे खड़े होंगे, अपना स्वयं का कुछ कर सकेंगे, इसलिए सिलाई करने। पिछले साल से यहाँ कौशल विकास के जरिए यहाँ प्रधानमंत्री योजना की ये ड्रेसें जो सिल रही हैं, तो पिछले साल मैंने काटना भी बताया सिलना भी बताया और लड़कियों ने बहुत मेहनत करके पिछले साल बहुत ज्यादा कपड़े सिले। और बहुत सी महिलाएं तो ऐसी थी गरीब जो कि उनको खाने पीने की भी परेशानी थी, और हम सीख गए हैं। अब हम अपने घर में भी अगर नहीं भी मिलती है तो हम अपने मोहल्ले पड़ोस की सिलाई कर सकती हैं। और इसके अलावा बार बार पूछने आती थी अब ये कब सिलाई चालू होगी, कब सिलाई फरवरी से आना शुरू हो गई थी महिलाएं, और अभी बराबर जब से इस बार जब ड्रेस चालू हुई है जब से बराबर सिल रही है।
कौशल विकास मिशन सरकार की योजनाओं में बेरोजगारों को तकनीकी प्रशिक्षण देने की योजना है। इससे बेरोजगार लोग अपना व्यवसाय कर धन अर्जित कर अपने पैरों पर खड़े होकर समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का एक मौका मिलता है। युवाओं को आवश्यकतानुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इटावा जनपद में 13 केन्द्र स्थापित हैं। प्रशिक्षण के लिए सरकारी और गैर सरकारी केन्द्र खोले गए हैं। सिलाई, इलेक्ट्रिक उपकरणों की रिपेयरिंग और स्वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण से बेरोजगार अपना व्यवसाय या नौकरी करके रोजगार अपना रहे हैं। जब इसका रियलिटी चेक किया गया तो देखा गया कि सिलाई के प्रशिक्षण से महिलाओं ने स्वरोजगार अपनाया है। महिलाओं और लड़कियों ने बताया कि जब से ये प्रशिक्षण लिया है तभी से हम लोगों के परिवार में खुशियां आई हैं, साथ ही स्वयं के कमाए पैसों से उत्साह वर्धन हुआ है। ऐसे ही पुरुषों ने भी स्वरोजगार के लिए तकनीकी प्रशिक्षण लेते हुए देखे गए। मुद्रा योजना से लोन ली है, उससे मैं आगे बढ़ा सकूं कारोबार। ससुर के बाद मतलब हमारे हस्बैंड वगैरह हैं, जो लोग सभी लोग काम करते हैं। उसके बाद जब से मेरी शादी हुई तब से मैं भी काम करने लगे यहाँ पे। जी मुद्रा योजना से 50,000 रुपए की लोन ली है। ये उत्तर प्रदेश में भी बेचते हैं और देश विदेशों में भी जाता है ये काम बेचने के लिए। इसमें सरकार के द्वारा एक जनपद मैनपुरी की प्राचीन कला तारकशी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। परंपरागत रूप से अपनाई गई इस कला को प्रोत्साहन तब मिला जब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किरण देवी और रेखा देवी को 50,000 रुपए का लोन मिला, जिससे तारकशी के उत्पाद बनाने में उन्हें बड़ी सहायता हुई। उनके बनाए हुए उत्पाद 150 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक के बेचे जाते हैं। इन्हीं उत्पादों को लेकर किरण देवी एवं रेखा देवी को राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने कई महिलाओं को प्रशिक्षण देकर मुद्रा योजना का लाभ दिलवाया। छाछठवीं अखिल भारतीय रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2018-19 का समापन आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली के गोमती इंडोर स्टेडियम में हुआ। 5 दिवसीय चैंपियनशिप टूर्नामेंट में रेलवे के विभिन्न क्षेत्रीय उत्पादन इकाई के 16 पुरुष और 5 महिला टीमों के 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में टीम स्पर्धा के पुरुष वर्ग में दक्षिण पूर्व रेलवे ने दक्षिण रेलवे को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं महिला वर्ग में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे ने मध्य रेलवे को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। एकल स्पर्धा के पुरुष वर्ग में दक्षिण पूर्व रेलवे के अनिर्बेन घोष ने दक्षिण पूर्व रेलवे के ही अनिर्बेन नंदी को 4-1 से हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं महिला एकल वर्ग में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे की सागरिका मुखर्जी ने दक्षिण पूर्व रेलवे की अनिंदिता चक्रवर्ती को 4-0 से हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि चीफ मटेरियल मैनेजर आर के मीणा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मीणा ने कहा कि हमारी भारतीय रेल की टीम देश ही नहीं विदेशों में भी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। हम तरह तरह के टूर्नामेंटों का आयोजन समय समय पर करते रहते हैं ताकि इनके खेल में निखार आए, जिससे ये भारतीय रेल के साथ ही देश का नाम भी गौरवान्वित करें। इटली की अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि मंगल ग्रह पर पहली बार भूमिगत झील का पता लगा है। खोजकर्ताओं का मानना पानी के बड़े भंडार का पता चला है। नासा एजेंसी के क्यूरोसिटी अंतरिक्ष अभियान ने पहले पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर पानी होने की संभावना है, लेकिन ठंडक ज्यादा होने के कारण पानी जमा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर से जुड़े इलाकों में भारी वर्षा की संभावना बताई गई है। कल दिनभर राजधानी लखनऊ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रूक रूक कर बारिश होती रही। कल का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कानपुर का 32.4 डिग्री, इलाहाबाद का 29.8 डिग्री, गोरखपुर का 32.7, वाराणसी का 29.1 डिग्री, आगरा का 31.2 डिग्री, बरेली का 33.1 और झांसी का तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देशों की अंतिम चरण की यात्रा में पहुंचे दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दक्षिण अफ्रीका चीन और रूस के राष्ट्रपति से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगरीय क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों में भी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाए जाने के दिए निर्देश, साथ ही अवैध निर्माणकर्ताओं को चिन्हित कर कार्रवाई करने के दिए आदेश।
हिंसा और धांधली के आरोपों के बीच पाकिस्तान में त्रिशंकु जनादेश के आसार। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आगे। उन्नीसवां कारगिल विजय दिवस आज, देश भर में कृतज्ञ राष्ट्र वीर सपूतों को कर रहा है याद। हर साल 26 जुलाई को देश में कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।